वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो आज हम आपको बताएंगे कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 5.5। इसका आज हम सेकंड पार्ट बनाएंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया था जिसमें हमने दो क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से क्लियर कर दिया था, ठीक है। क्योंकि इस प्रश्नावली में बहुत लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इसलिए हम पार्ट 1 पार्ट 2 डिवाइड करके इसको बना रहे हैं। तो यदि आपको पार्ट 1 नहीं मिला है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने सारा बेसिक पार्ट 1 में बता दिया है, ठीक है। इसको देखिए, ऐसा नहीं है कि ये समझ में नहीं आएगा, ये भी समझ में आएगा, लेकिन आप पार्ट 1 पहले देख लीजिए तो बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में क्लियर किए थे, इसमें हम तीसरे क्वेश्चन से बताने वाले हैं, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमें बताइए, ठीक है। तो आज हमारा गला भी थोड़ा ख़राब हो गया है जिसकी वजह से बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 नंबर दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 3, लॉग की पावर कॉस एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको वाई मान लेना है। तो वाई इजिकल टू आपको लिखना पड़ेगा, माना वाई इजिकल टू लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स, ठीक है। अब एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि लॉग एम की पावर एन, लॉग एम की पावर एन इजिकल टू एन पावर नीचे रहेगी एन लॉग एम, ठीक है। या ऐसे हो जाएगा, तो यही फार्मूला हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, लॉग एम की पावर एन, ये फार्मूला भी यूज़ होगा, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा, लघुगणक की अवकलन कर रहे हैं ना हम इसमें, तो लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तो लिख लेते हैं हम दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है, लॉग लेने पर। तो लॉग ले लेते हैं हम, लॉग वाई हो जाएगा यहाँ पर, इजिकल टू इसके साथ लॉग लेंगे तो ये रहेगा लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स, ठीक है। अब ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं क्योंकि लॉग एम की पावर एन होता है एन लॉग एम, तो लॉग एम की पावर एन, ठीक है। कि लॉग एक्स हमारा अलग था, ये लॉग हमने इसके साथ लिया था, ठीक है। तो लॉग एम ये है और इसकी पावर एन ये है, ठीक है। तो इसका कर लेते हैं हम लॉग वाई इजिकल टू, पावर को नीचे ले आते हैं तो पावर नीचे आ जाएगी हमारी और बचेगा हमारा जो टोटल, लिख लेते हैं लॉग लॉग एक्स, ठीक है, यही तो बचेगा हमारा। तो अब देखिए इसका अवकलन करेंगे हम x के सापेक्ष, तो लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पूरी लाइन लिख लीजिएगा, ठीक है। तो जब हम log y का करेंगे तो आप जानते हैं log y का 1/y हो जाएगा, क्योंकि log x का 1/x होता है ना, तो log y का 1/y। फिर इस y का करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy/dx, ठीक है। अब यहाँ पे लगाएंगे हम दो फलनों का गुणन का फॉर्मूला, क्या होता है देखिए कहीं पर आ जाता है दो फलन, जैसे dy/dx u/v, ये कहीं दो फॉर्मूले आ जाते हैं, दो मतलब दो फंक्शन कहीं पे गुणा में आ जाते हैं, वो भी उनका अवकलन करने के लिए। तो आपको क्या करना है कि पहले फलन को ऐसे रखना है, दूसरे का अवकलन कर देना है, ठीक है। फिर प्लस दूसरे वाले को ऐसे रखना है v को इसका मतलब, और पहले वाले का अवकलन कर देना है, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, यही फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए कॉस एक्स लॉग एक्स, ठीक है, लॉग लॉग एक्स, लॉग एक्स ये समझिए एक्स है, तब ये एक इकलौता फलन है, ठीक है, दो फलन नहीं है, ये एक फलन है लॉग लॉग एक्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले फलन को ऐसे रखना है, तो हम पहले को रखते हैं इस प्रकार ही, फिर हम dy/dx करेंगे लॉग लॉग एक्स का, ठीक है, dy/dx करेंगे लॉग लॉग एक्स का, ठीक है। फिर प्लस दूसरे वाले को ऐसे रखना है, लॉग लॉग एक्स को हम ऐसे रखेंगे, फिर dy/dx करना है हमें कॉस एक्स का, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आपको। फिर उसके बाद देखिए क्या करना है, 1/y को ऐसे रखना है, dy/dx इजिकल टू कॉस एक्स को आप ऐसे रखिए, देखिए लॉग एक्स सपोज कीजिए एक्स है, मान लीजिए कि ये एक्स है, तो इसका अवकलन क्या होता है, 1/x, और एक्स के स्थान पर क्या है लॉग एक्स, ठीक है। अब dy/dx हमें इस वाली लॉग एक्स का भी तो करना होगा, हमने क्या है लॉग लॉग एक्स का, लेकिन इस लॉग एक्स का हमने अवकलन नहीं किया है, तो इस लॉग एक्स का भी हमें अवकलन करना होगा, ठीक है, छोड़नी कोई भी चीज़ नहीं है। प्लस लॉग लॉग एक्स इसको आप ऐसे रखेंगे, लॉग लॉग एक्स, कॉस एक्स का करेंगे तो होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। देखिए चाहे तो हम इस एक्स का भी कर लेंगे, लेकिन जब हम एक्स का करेंगे, जैसे मान लीजिए एक्स का आप करेंगे dy/dx करेंगे एक्स का, ठीक है, तो dx से dx कैंसिल आ जाएगा 1, ठीक है। तो 1 आया हमारा यहाँ पर, 1 आएगा,
तो वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो टोटल वही आ जाएगा, ठीक है। तो यदि वाई होता तो हम करते हैं, तो इसलिए जो भी जिसके साथ जो भी होता है हम उसका करते हैं। जैसे लॉग लॉग एक्स का, तो हमने लॉग लॉग एक्स का किया था लेकिन लॉग एक्स का नहीं किया था, तो वही हमने यहाँ पे लॉग एक्स का भी दोबारा कर दिया है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर लीजिए और टोटल आपको लिखना होगा। तो वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स हो जाएगा। फिर इस लॉग एक्स का करेंगे तो हो जाएगा हमारा वन अपॉन एक्स, तो इस एक्स को लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हो जाएगा ना यहाँ पे वन, यहाँ पे हो जाएगा वन अपॉन एक्स, तो वन के साथ मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं और इस एक्स को हमने यहाँ पे ले लिया। फिर प्लस लॉग लॉग एक्स, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि इस माइनस को यहाँ पे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, क्लियर है, यही तो हो जाएगा। अब आप क्या करिए कि इसका एलसीएम ले लीजिए या तो इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए हम नए पेज से स्टार्ट करते हैं, या तो एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप ऐसे रहने दीजिए, इस वाई को इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो जब वाई हमारा इधर जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो वाई जाएगा इस प्रकार, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे मत भेज दीजिएगा सीधे, एक्स लॉग एक्स माइनस लॉग लॉग एक्स साइन एक्स, ठीक है, सीधे बिना ब्रैकेट लगाए मत भेज दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब वाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी थी, जो हमने वाई बराबर माना था, ठीक है, माना था हमने कुछ वाई बराबर, तो वो वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू, वाई की वैल्यू क्या है हमारी, लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स, ठीक है। फिर कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स माइनस, देखिए वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, लॉग लॉग एक्स साइन एक्स, ठीक है। हो सकता है ये पहले लिखा हो फिर ये बाद में लिखा हो, जैसे लिखा हो माइनस लॉग लॉग एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स, इस प्रकार भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन में आंसर में, तो उससे कोई बेचैनी नहीं होनी चाहिए, ये हमारे क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर को बताते हैं। अब हम नंबर फोर लिखा है एक्स की पावर एक्स माइनस टू की पावर साइन एक्स, तो सबसे पहले इसको वाई मान लेते हैं हम, तो माना y इजिकल टू एक्स की पावर x माइनस टू की पावर साइन x, ठीक है, ये हो गया। तो अब हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी, इसमें क्या करना पड़ेगा कि दोबारा मानना होगा कि x की पावर x को आपको मान लेना है u और 2 की पावर साइन x को मान लेना है आपको v, ठीक है, ये मान लेना है। तो इसके स्थान पर u रखिए, इसके स्थान पर v रखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y इजिकल टू यू माइनस वी, ठीक है, हो जाएगा, क्लियर है ना। तो अब आपको लिखना पड़ेगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, पहले इसका अवकलन कर लीजिए एक्स के सापेक्ष, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो वाई का तो हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स, क्लियर है, इजिकल टू यू का करेंगे तो डी यू अपॉन डी एक्स, फिर माइनस वी का करेंगे हम डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें एक बार इसका अवकलन करना है, एक बार इसका अवकलन करना है, तो हमें डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिलेगी और डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिलेगी, वो हमें इसमें पुट कर देनी है, ठीक है, तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी और यही हमें ज्ञात करना था। तो ये समीकरण एक मान लीजिए। अब आपको लेना है क्या, लेना है कि आपने क्या माना था, यू इजिकल टू एक्स की पावर एक्स, ठीक है, ये माना था ना u इजिकल टू एक्स की पावर x, यहाँ पर देखिए ये माना था हमने u इजिकल टू एक्स की पावर x, तो हमने यहाँ से ये ले लिया है u इजिकल टू एक्स की पावर x। तो अब आपको कर लीजिए कि दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लघुगण की आप कर लेंगे तो लॉग लेने पर, तो u के साथ लॉग लेंगे तो हो जाएगा हमारा लॉग u इजिकल टू लॉग एक्स की पावर एक्स, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हम एक फार्मूला जानते हैं कि क्या होता है लॉग लॉग एम की पावर एन, ठीक है, ये फार्मूला होता है, तो इसका जो फार्मूला होता है पावर नीचे आ जाती है एन लॉग एम, ठीक है, ये होता है। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं, तो देखिए ये हो जाएगा लॉग यू इजिकल टू हो जाएगा, देखिए लॉग एम की पावर एन, तो पावर को नीचे ले आते हैं, पावर नीचे आई, बाकी टोटल को हम ऐसा का ऐसे ही रखते हैं, क्लियर है। अब हमें क्या करना है कि हमें अवकलन कर देना है, वो भी कैसे करना है देखिए, आपको लिखना पड़ेगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, एक्स के सापेक्ष लिखना पड़ेगा पूरा अवकलन करने पर, तो लॉग यू का करेंगे तो उसका हो जाएगा वन अपॉन यू, क्लियर है, लॉग यू का तो वन अपॉन यू हो जाएगा, और यू का करेंगे तो डी यू अपॉन डी एक्स,
अब इसका अवकलन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे दो फलन बनने हैं, ठीक है। यदि कहीं पर भी आ जाता है दो फलन, जैसे मान लीजिए डी वाई अपॉन डी अपॉन डी एक्स अपॉन दो फलन यू इंटू भी, ये दो फलन आ जाते हैं, तो आपको करना पड़ेगा पहले फलन को ऐसे रखना पड़ेगा, दूसरे का अवकलन करना होगा, ठीक है। फिर प्लस दूसरे को ऐसे रखना होगा और पहले का अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे पुट कीजिए। तो देखिए पहला फलन ये है, दूसरा फलन ये है, इसका हमें अवकलन करना है, तो हम पहले को ऐसे रखते हैं, दूसरे का अवकलन करेंगे डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का, क्लियर है। फिर प्लस लॉग एक्स को ऐसे रखेंगे, हम अवकलन डी अपॉन डी एक्स करेंगे किसका, एक्स का, ठीक है। लॉग एक्स को रखा, फिर अवकलन किया एक्स का, ठीक है। तो देखिए वन अपॉन यू हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स इजिकल टू, ये कितना हो जाएगा, देखिए एक्स इंटू लॉग एक्स का होगा वन अपॉन एक्स, क्लियर है, वन अपॉन एक्स होगा। फिर प्लस लॉग एक्स ऐसे हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक्स का हो जाएगा वन, ये भी कह सकते हैं, और कैंसिल होगा तब भी वन आएगा, तो उसको हम ऐसे रखते हैं, क्योंकि वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उतना का उतना ही आ जाएगा। अब इससे एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचा वन प्लस लॉग एक्स, और इस यू को हम उधर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा इजिकल टू, यू को उधर भेज दिया हमने, और यहाँ पे कितना बचा था वन प्लस लॉग एक्स, क्लियर है। तो यहाँ पे यू की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, देखिए कहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से देखिए यू की वैल्यू कहाँ थी हमारी, ये थी यू की वैल्यू, तो यू की वैल्यू थी हमारी एक्स की पावर एक्स, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा, यू की वैल्यू एक्स की पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स, क्लियर है। तो ये मिली हमें डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू। चलिए अब हम निकालते हैं डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू, तो हमें दिया था भी की पावर भी इजिकल टू टू की पावर साइन एक्स, यही तो दिया था। तो अब इसमें भी हम लेते हैं दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, आप लिख लीजिएगा पूरा। तो भी की वैल्यू भी की तरफ लॉग लेंगे तो हो जाएगा हमारा लॉग भी इजिकल टू इधर लॉग टू की पावर साइन एक्स, क्लियर है। अब हमें क्या करना होगा कि हम इस लॉग एम की पावर एन, यही तो फॉर्मूला बनना है, लॉग एम की पावर एन, तो पावर नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग भी इजिकल टू पावर नीचे आई साइन एक्स, और बचा हमारा लॉग टू, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, और इसका भी हमने अवकलन, ठीक है, लॉग टू रहेगा, अब हम लिखना पड़ेगा एक्स के सापेक्ष अवकलन, अभी अवकलन नहीं किया है ना हमने, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, पूरा लिखना पड़ेगा। तो लॉग वी का हो जाएगा वन अपॉन वी, और भी का करेंगे तो डी वी अपॉन डी एक्स, क्लियर है, डी वी अपॉन डी एक्स। अब देखिए लॉग टू का तो होता नहीं है, तो हम लॉग टू को ऐसे रखते हैं, लॉग टू को हमने ऐसे रखा, साइन एक्स का अवकलन करेंगे, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स का करेंगे। तो देखिए इस भी को हम पहले उधर भेज देते हैं, तो इधर बचेगा हमारा डी वी अपॉन डी एक्स इजिकल टू, भी को हमने इधर भेजा, यहाँ पर लॉग टू बचा। अब साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, क्लियर है, कॉस एक्स होता है हमारा साइन एक्स का अवकलन, नहीं पता तो याद कर लीजिए। अब भी की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ से देखिए भी की वैल्यू ये थी, तो ये वैल्यू आप वहाँ पे पुट कर दीजिए। तो देखिए भी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी बी अपॉन डी एक्स इजिकल टू टू की पावर साइन एक्स, इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है, कॉस एक्स लॉग टू, ठीक है। तो अब देखिए हमें डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल चुकी है, डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल चुकी है, हम रख देते हैं पुट। तो आपको लिखना पड़ेगा डी यू अपॉन डी एक्स तथा डी बी अपॉन डी एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण थी हमारी एक, डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू डी यू अपॉन डी एक्स डी बी अपॉन डी एक्स माइनस डी बी अपॉन डी एक्स, तो ये समीकरण एक थी। अब हम डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, तो ये हमारी डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू है, क्या है, एक्स की पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स, तो ये वैल्यू हम उधर पुट करते हैं। तो देखिए क्या था, एक्स की पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स, क्लियर है, ये हमने रखा डी यू अपॉन डी एक्स के स्थान पर, फिर माइनस लगाते हैं यहाँ पर, और डी बी अपॉन डी एक्स के स्थान पर ये वैल्यू, ठीक है, क्या है, टू की पावर साइन एक्स कॉस एक्स लॉग टू, क्लियर है। और ये जो बचा है हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स, क्लियर है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव को बताना स्टार्ट करते हैं। नंबर फाइव लिखा है वाई इजिकल टू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस फोर का क्यूब इंटू एक्स प्लस फाइव का होल फोर आई, ठीक है। तो हमें क्या, हमने सीधे वाई इजिकल टू मान लिया है, आपको
वाई इजिकल टू नहीं दिया है, ठीक है, हमने सीधे वाई इजिकल टू इसको मान लिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो लॉग ले लेते हैं हम, तो इधर हो जाएगा लॉग वाई इजिकल टू, इधर हो जाएगा हमारा लॉग एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, एक्स प्लस फोर का होल क्यूब, एक्स प्लस फाइव का होल पावर फोर, ठीक है, इतना हमारा हो जाएगा। तो अब हम एक फार्मूला जानते हैं, कौन सा फार्मूला जानते हैं, लॉग एम इंटू एन, ठीक है, वो होता है हमारे पास लॉग एम प्लस लॉग एन, मान लीजिए इधर ऐसे दिया हो ओ, तो इधर हो जाएगा प्लस लॉग ओ, ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। तो वही हम इस यहाँ फॉर्मूले में लगा देते हैं, ठीक है, तो देखिए इधर कितना हो जाएगा लॉग वाई, तो देखिए लॉग एम प्लस इंटू एन इंटू ओ, तो वही कर देते हैं हम लॉग एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, देखिए प्लस लॉग एन, तो लॉग एक्स प्लस फोर का होल पावर थ्री, ठीक है, फिर प्लस इसके साथ ले लेते हैं लॉग एक्स प्लस फाइव की होल पावर फोर। अब एक फार्मूला और जानते हैं, कौन सा जानते हैं, कि ये कहता है लॉग एम की पावर एन, तो वो फार्मूला होता है एन लॉग एम, ठीक है, ओ पावर नीचे आ जाती है, तो लॉग एम की पावर एन पावर नीचे ले आते हैं, इसी प्रकार इसमें पावर नीचे लेके आएंगे, इसी प्रकार इसमें लेकर आएंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा लॉग वाई इजिकल टू लॉग एम की पावर एन होता है एन लॉग एम, तो पावर को नीचे ले आते हैं, टू लॉग एक्स प्लस थ्री हो जाएगा, क्लियर है, फिर इस पावर को नीचे ले आते हैं प्लस थ्री लॉग एक्स प्लस फोर, ठीक है, फिर इस पावर को नीचे ले आते हैं प्लस फोर लॉग एक्स प्लस फाइव, ठीक है, इस फॉर्मूले से हमने सारा कर लिया। अब हमें लिखना होगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, एक्स के सापेक्ष आप लिख लीजिएगा पूरा अवकलन करने पर, तो जब हम लॉग वाई का करेंगे हो जाएगा वन अपॉन वाई, ठीक है, फिर इस केवल इस वाई का करेंगे तो इसका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर टू को हम करेंगे बाहर, ठीक है, लॉग एक्स प्लस थ्री का करेंगे कितना हो जाएगा, एक बार लिख लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस थ्री का करना होगा, फिर प्लस थ्री को बाहर करते हैं, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस फोर का करना होगा, फिर प्लस फोर को बाहर कर लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस फाइव का करना होगा, ठीक है, फिर हम इसका अवकलन कर लेते हैं, देखिए कितना आएगा वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू टू, ठीक है, इंटू लॉग एक्स का करेंगे उसका होता है वन अपॉन एक्स, तो एक्स वन अपॉन एक्स के स्थान पर है एक्स प्लस थ्री, क्लियर है। अब डी वाई बाई डी एक्स किसका करना होगा, इस एक्स प्लस थ्री का करना होगा केवल, ठीक है, हमने करा था लॉग एक्स प्लस थ्री का, तो वन अपॉन एक्स प्लस थ्री हुआ, अब हमें केवल एक्स प्लस थ्री का भी तो करना होगा, क्लियर है ना, प्लस थ्री, इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स प्लस फोर, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स करना होगा हमें एक्स प्लस फोर का, इस प्रकार प्लस फोर हो जाएगा, इसका हो जाएगा लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स प्लस फाइव, ठीक है, ये फोर हम लगा लेते हैं यहाँ पे, फोर छूट गया था, और डी वाई अपॉन डी एक्स करना होगा हमें एक्स प्लस फाइव का। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इधर हो जाएगा वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू, इसके साथ इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं टू इंटू एक्स प्लस थ्री, ठीक है, फिर देखिए इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए इसका तो हमारा वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स प्लस थ्री का हो जाएगा हमारा वन, क्योंकि देखिए पहले हम करेंगे डी वाई बाई डी एक्स किसका करेंगे एक्स का, ठीक है, इस वाले एक्स का करेंगे तो इसका तो हो जाएगा हमारे पास वन, ठीक है, वन से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो यही आ जाएगा, और फिर हम करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स किसका करेंगे थ्री का, तो उसका हो जाएगा जीरो, ठीक है, जीरो हो जाएगा, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जीरो, हम केवल वन के इस वाले एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, क्लियर है ना, किसी भी जैसे अचर पद होता है तीन पाँच सात उसका शून्य होता है, ठीक है, इसी प्रकार हम इसमें करते हैं प्लस का चिन्ह आएगा हमारा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ थ्री अपॉन एक्स प्लस फोर हो जाएगा, ठीक है, फिर इसी प्रकार इसका करेंगे तो यहाँ पे वन हो जाएगा, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, और फोर का तो जीरो होता ही है, ठीक है, फिर प्लस करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो हो जाएगा फोर अपॉन एक्स प्लस फाइव,
फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वन आ जाएगा क्योंकि एक्स का होता है 1 और 5 का होता है 0। अब चलिए हम इसको नए पेज में लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो हमने इसको नए पेज में लिख लिया है। तो देखिए अब हमें क्या करना होगा, इसका एलसीएम लेना होगा। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। 1 / y dy/dx = देखिए यदि आपको एच ले सकते हैं, पहले इन दोनों का ले सकते हैं, फिर इन दोनों का ले सकते हैं, हम तीनों का साथ में ले लेते हैं। ठीक है, तो हम पहले इसका लेते हैं 2 वाले के साथ का, तो 2 को ऐसे रखेंगे, ये दोनों जाएंगे इसके मल्टीप्लाई में। ठीक है, x + 4 x + 5, फिर +3 को लेंगे तो ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएंगे, x + 3 और x + 5। ठीक है, फिर +4 वाले को लेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई में जाएंगे, x + 3 और x + 4, और बट्टे में तो आप जानते हैं कि क्या हो जाता है, तीनों नीचे गुणा में आ जाएंगे, x + 3 x + 4 और x + 5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस वाई को इधर भेज देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 1/y dy/dx। ठीक है, क्योंकि वाई को हम भेज देंगे इधर, तो वाई हो जाएगा इधर हो जाएगा, देखिए 2। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा, x², फिर इसी की मल्टीप्लाई इसके साथ भी तो करनी होगी, तो ये हो जाएगा 5x, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ +4x, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 20, आपको मल्टीप्लाई आता होगा, फिर +3 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे x², इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ +5x, फिर इसी प्रकार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3x, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 15। क्लियर है, फिर यहाँ पर आ जाते हैं 4, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे x², इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ +4x, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ +3x, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ +12। ठीक है, और अपॉन में टोटल वैसा का वैसा ही आ जाएगा, x + 3 x + 4 और x + 5। अब देखिए इस y के स्थान पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपने क्वेश्चन में y बराबर माना था। माना क्या था, देखिए हमने कुछ y बराबर माना था, अब देख लीजिएगा पीछे इसके ऊपर के वीडियो को, हमने y बराबर माना था x + 3 का होल स्क्वायर x + 4 का होल क्यूब x + 5 की होल पावर 4। ठीक है, अब हमें क्या, हम क्या करते हैं कि इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 की, या तो इसको एक बार जोड़ के लिख देते हैं, देखिए कैसे 2, देखिए x² ऐसी रहेगा, 5x 4x कितना हो जाएगा 9x। ठीक है, और +20, इसी प्रकार यहाँ पर जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 5x 3x 8x। ठीक है, +8x, पबजी वाला 8x नहीं है और पबजी भी बैन हो चुका है। ठीक है, +4x² ऐसी रहेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे +7x हो जाएगा और +12। इसकी अपॉन में क्या टोटल हमारा, x + 3 x + 4 और x + 5। ठीक है, ये कॉपी भी छोटी पड़ गई हमारी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए dy/dx = x + 3 का होल स्क्वायर x + 4 का होल क्यूब x + 5 का होल पावर 4। इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, कितना हो जाएगा 2x² + 9 × 18x + 40। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर कर देते हैं, 3x² + 24x + 45, फिर प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर कर देते हैं, 4x² + 28x। ठीक है, +48 अपॉन आ जाएगा हमारा कितना, हमें थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा था कि कॉपी में आ जाए, x + 4 x + 5। ठीक है, अब देखिए जितने हमारे x² को जोड़ देते हैं, x वालों को जोड़ देते हैं और संख्या वालों को भी जोड़ देते हैं और लिख देते हैं कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा dy/dx = x + 3 का होल स्क्वायर x + 4 का होल क्यूब x + 5 का होल पावर 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2x² है, 3x² है, 4x² है और सब प्लस में है, इन तीनों को जोड़ देंगे,
हो जाएगा 9x2। ठीक है, यहाँ पर 18x है, यहाँ पर 24x है और यहाँ पर 28x है, तो हम इन इन सबको जोड़ देंगे तो हमारे पता है कितना हो जाएगा, प्लस 17x। अब जोड़ के देख लीजिएगा, फिर प्लस 40 है, प्लस 45 है, प्लस 48 है, इसको सबको जोड़ेंगे हो जाएगा 133। ठीक है, और इसके अपॉन में हमारा क्या है, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5। ठीक है, तो अब देखिए, एक एक्स प्लस 3 से एक एक्स प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स प्लस 4 से एक एक्स प्लस 4 कैंसिल, एक एक्स प्लस 5 से एक एक्स प्लस 5 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर था, एक कटा, तो यहाँ पर बचेगा केवल एक्स प्लस 3। ठीक है, यहाँ पर एक्स प्लस 4 का होल क्यूब था, एक कटा, तो यहाँ पर बचेगा एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पर एक्स प्लस 5 का होल पावर 4 था, एक कटा, तो यहाँ पर बचेगा एक्स प्लस 5 का क्यूब, और हमारे इसके साथ जो गुणा में था वही बचेगा, 9x2 प्लस 17x प्लस 133। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, हो सकता है ये पहले लिखा हो आंसर में, ये बाद में लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आंसर बुक में जाकर चेक कर सकते हैं, हम आपको बहुत टाइम लगेगा दिखाएंगे तो आप जाकर चेक कर लीजिए।